शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। उस इंतजार से क्या गिला जो तेरे दीदार पे खत्म हो। अभी तो आपको कोई शिकायत नहीं। ये मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे शिकवा करूं। आप होना चाहते हैं बेवफा, हो जाइए। आपके कदमों पर लाकर रखती है दिलो जान, मेरी मोहब्बत की दुनिया के खुदा हो जाइए। राज, मुझे घर जाना है। हाँ तो जाओ, घर जाओ। समझा करो राज, देर हो चुकी है। भैया को क्या जवाब दूंगी? अरे भैया से कह देना कि मैं राज के साथ हूँ, और जब भी मैं राज के साथ रहती हूँ तो वक्त वहीं का वहीं थम जाता है। जी करता है कि बस उसके सीने से लगी रहूं, एक पल भी उसके बिना रह नहीं सकती। बल्कि आज तो उसने मुझे एक सवाल भी किया। कैसा सवाल? सवाल विल यू मैरी मी। क्या? विल यू मैरी मी? थैंक गॉड तुमने ये सवाल कर दिया, नहीं तो मुझे लगा जैसे तुमने अपने प्यार का इजहार लेट किया था। वैसे भी तुम शादी बुढ़ापे में ही प्रपोज करोगे। नाउ दैट्स फनी, दैट्स रियली फनी। अच्छा मजाक बहुत हो गया, बताओ विल यू मैरी मी? अरे भैया जवाब दो। भैया से इजाजत ले लो, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। अब तुम्हारे भैया के पास तो हमारे करण भाई साहब भी जाएंगे। करण, ये लड़कियाँ घुमाने का मामला नहीं है। अरे हाँ, लड़कियाँ घुमाने का मामला नहीं है। काश तुम्हारे भैया लड़की होते। अरे लेकिन तुम्हारे भाभी तो है, उससे बात कर ले, क्या ख्याल है? राज, अरे कहीं मरवा ना दे ये करण कसम से। बोलो। मेरा हाथ पकड़ो। मेरी आंखों में डूब कर देखो, मैं वही हूं जिसे तुम जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते हो, जिसके लिए तुम्हें मौत भी हंसकर कबूल है। वही हूं मैं, इसे महसूस करो। फील इट राज, कम ऑन राज, और अब अपने डायलॉग्स बोलो। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ऐ मोहब्बत के फरिश्ते, तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी मैं कैसे भूलूंगी? पतंगे की क्या कुर्बानी, ये तो शम्मा की मेहरबानी है कि वो मरने से पहले उसे एक बार अपने रोशन होठों से चूमती है। गारत हो वो होंठ जिन्हें चूमने की सजा मौत है। मौत तो इनाम है मधु, सजा तो वो होती है जब इन होठों से दूर रहकर जीना पड़ता है। लेकिन अब बात हुआ प्रिय, मेरे जाने का वक्त आ गया है, मुझे रोकना मत। तब तक के लिए नहीं, रुक जाओ। अलविदा मेरी जान। नहीं। अलविदा मेरी जान, अलविदा। अलविदा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे मेरी महबूब। वो साइकिल वाली हमारी गाड़ी से आगे निकल गई। आज अंजलि की सगाई है ना, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए ना। लेकिन वो साइकिल वाली हमारी गाड़ी से आगे जा रही है, ये तो जानबूझ के कर रहा है ना। मुझे मालूम है तू जानबूझ के कर रहा है, तू नहीं चाहता कि अंजलि और मैं एक हो जाए। अबे वहां पहुंच के क्या उखाड़ लेगा तू? हाँ सेरेमनी तो वैसे ही खत्म होने वाली है, तुझे पता भी है कि अंजलि तुझे प्यार करती है या नहीं? हाँ ये तो बात है यार। और वहाँ इतने सारे लोग भी तो होंगे, अंजलि का भाई, भाभी, उसका होने वाला हस्बैंड, उसके माता पिता। जब इतने साल तक तू उससे अकेले में कुछ नहीं कह पाया तो इन सबके सामने क्या बोलेगा? हाँ क्या बोलेगा? ओए क्या बोलेगा? बोलूंगा मैं, क्या आज बोलूंगा, यही बोलूंगा कि अंजलि, अंजलि तुम मेरी प्रेरणा, प्रेरणा हो। अंजलि तुम मेरी पूजा हो, पूजा हो। अंजलि तुम मेरी पराठा हो। अब तू रहने दे यार, मैं बोल लूंगा। तो फिर बोल। बोलता हूँ अंजलि,
मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है, ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अंजलि प्लीज मेरे प्यार को मत ठुकराना, मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, प्यार करता हूँ, और यहाँ तक कि अंजलि हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम है। वाह क्या स्टाइल है यार, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया यार। तेरे स्टाइल को देख कर ना अंजलि सारी दुनिया छोड़कर तेरे कदमों में गिर पड़ेगी। मानता है मुझे? मानता हूँ भाई, मानता हूँ मेरे प्यार के पुजारी, आज तक कोई नहीं रख सकता। तेरे चेहरे की चमक तो देख। अरे ये तो अंजलि के प्यार की चमक है, कोई ऐसी वैसी चमक नहीं है भाई। अबे बेवकूफ, ये शेविंग फोम की चमक है। क्या अभी वो तेरा साफ कर ले, वरना तुझे इस हालत में देखेगी ना तो अंजलि भाग जाएगी। अच्छा तू गाड़ी चला, जल्दी चला, आज नहीं तो उसकी सगाई हो जाएगी। रुक 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 रुक, बस बस है? इतना सन्नाटा क्यों मेरे भाई, एंगेजमेंट हो गई क्या उसकी? राज तूने बहुत देर कर दी मेरे यार। अंजलि, अंजलि को बताने में भी और यहाँ आने में भी। शकल अच्छी ना हो ना, बातें अच्छी किया कर। अबे तेरी तो मारूंगा अभी तो। अंजलि लगता है वो चली गई। चलना ले, आ गई। राज क्यों चीख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? अंजलि सच बताओ, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? एंगेजमेंट ले बताओ अपनी, बताओ। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी उंगलियों में एंगेजमेंट की रिंग ढूंढ रहा है। एंगेजमेंट? पैरों की भी चेक कर ले। किसने कहा मेरी एंगेजमेंट हो रही है? किसने कहा मुझसे? करण तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं झूठ नहीं कहता तो ये सच कैसे कहता? कौन सा सच? इसी के मुंह से सुन लो। अब इसको बकवास करने की आदत है, तू तो जानती है इसको। अबे तू पागल? अबे क्रिकेट इतनी जल्दी पलट गया, दिमाग खा गया गाड़ी में बक बक के। मैंने क्या बोला गाड़ी में तुझे? अंजलि के बारे में? अंजलि के बारे में? मेरे बारे में? हाँ। मेरे बारे में क्या कहा, बोलो ना। ये कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। पागल हो गया तू, इसको तो मजाक करने की आदत। बकवास कर रहा तू, चल तुझे बताता हूँ तुझको। मुझे क्या बताएगा, इसे बता। इसको क्या बताऊँ मैं, यही की क्या बताना है? मैं बताता हूँ। अरे तू चल मेरे, बोलो ना। तू चल, पागल है वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? अंजलि मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है, ख्वाबों में तुम हो। ये कब तूने रिकॉर्ड किया? जब तू बक रहा था। सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मिस जिया, लगता कोई नहीं है। कहाँ है मेरी किताब? मुलाकात का के देख रहे थे, बोलो हाँ कि ना? मैंने कुछ नहीं देखा। देखा है? मैंने कुछ नहीं देखा। ओके आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं चलेगा मिस्टर। तो बोलो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। लेकिन मैंने कुछ देखा ही नहीं। नहीं देखा तो अब देख लो ना। ये जी आप क्या कर रही हैं? भाभी 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 आ गई। भाभी को बोल दो कि तुम मुझे नहाते हुए देख रहे थे। क्या? मैंने कुछ देखा ही नहीं और सॉरी भी तो बोला था मैंने। सॉरी वाली बोलने से कुछ नहीं चलेगा, बोलो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। ना ना। हाँ हाँ के ना? हाँ। अच्छा हाँ तो बोलो प्यार से कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। हाँ तुम मुझे अच्छी लगती हो बस। भाभी आ गई। अब मैं कहाँ छुपूँ? यहाँ 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 कैसे छुप सकता हूँ? डाल पकड़, डाल पकड़, डाल। जिया जी, भाभी जिया तुमने राज को कहीं देखा? नहीं तो भाभी शायद वो अपने कमरे में होगा। नहीं वहाँ नहीं है, नीचे भी कहीं नहीं है। अच्छा वो शायद टॉवल में, मेरा मतलब बाथरूम में होगा, बाथरूम में होगा। ठीक है मैं देखती हूँ। ओके। क्या हुआ? सांस लेने में। आफ्टर ऑल तुमने कबूल तो किया कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। ए मजा आया ना? नहीं आया तो फिर से आ जाओ। क्या बदतमीजी है ये, तो मैं भाभी की वजह से मैं अंडर प्रेशर में आ गया था। अंडर प्रेशर में हो या अंडर स्ट्रेच में, तुमने कबूल तो किया। बदतमीज। I'll get you baby। ए मोहब्बत के फरिश्ते, तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी मैं कैसे भूलूंगी? पतंगे की क्या कुर्बानी होती है, ये तो शम्मा की मेहरबानी है कि मरने से पहले उसे अपने रोशन होठों से चूमती है। गारत हुई है होंठ,
कि जिन्हें चूमने की सजा मौत है। सजा वो नहीं होती, सजा तो वो होती है जब इन होठों से दूर रहकर जीना पड़ता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, नहीं अरे ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी भी सिर्फ एक ही बार मिलती है। क्यों हम इसे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता काजल। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं काजल। नमस्ते जी। मैंने तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया था, इसका मतलब ये नहीं आप मुंह खोल कर देखते रहो। राज, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो जी पहले मैं हवाई जहाज लेकर आई और फिर मैंने ट्रेन ली, ट्रेन के बाद मैंने बस ली और बस के बाद जब मैं ऑटो लेकर आई तो इतने झटके पड़े मैं क्या बताऊं। तो तुम इसे जानते हो? हाँ भैया, मैं इस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अजी कहाँ अच्छी तरह, अच्छी तरह जाने से पहले आप तो इंडिया आ गए थे ना। अरे तो क्या कोई बात नहीं भाई, अब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरह जाने लगेंगे। जी भैया। ये आपको भैया बोल रही है? अरे तो क्या हुआ, सुखी रहो हैं? बहुत अच्छी लड़की है राज, इतने साल विदेश में रहने के बाद भी अपने देश की संस्कृति नहीं भूली, हम सबका दिल जीत लिया इसने। तुम्हारी यही हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं समझी। लेकिन भाभी को तो पसंद है ना मेरी हरकतें भी और मैं भी। क्योंकि उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता। हाँ? बता दूं डिस्को में किस हालत में मिली थी तुम मुझे, नशे में टून। बता दो बता दो, और फिर ये भी बता देना कि तुम उठा कर मुझे घर पे ले गए थे, मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे, मुझे अपने बिस्तर पे लिटा दिया था और फिर ना जाने क्या क्या किया था। मैं तो होश में नहीं थी और फिर ये सारा कुर्ता दे दिया था मेरा तन ढकने के लिए, और ये कुर्ता प्रूफ है मेरे पास। तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं तुम्हें? अरे बच्चू, अब मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत में है। एयरफोर्स, एयरफोर्स बिगड़ेगी तो दोनों की बिगड़ेगी। क्या बिगड़ेगी? हाँ क्या बिगड़ेगी? दे मेरा कुर्ता, दे मेरा कुर्ता। राज जी, क्या चल रहा तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मैं वो एक्सक्यूज मी, आप अपना कुर्ता फिर से छोड़े जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप अपने कपड़े तो ले जा रहे हैं, मेरे तो छोड़ते जाइए। बदतमीज, ये ले। चलो साथ साथ चाय पिए। क्यों रे, किसका सपना पूरा करने जा रहा है तू, अपना या किसी और का? और किसका भाभी? काजल का, और किसका? वैसे तूने उसे कह तो दिया ना कि तू उसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। हाँ भाभी, एक बार कहा तो था। तू भी मुझसे शादी कर ले काजल। नेवा। क्यों? वो देख कितनी लकी लड़की है, उसका हस्बैंड एयरफोर्स में काम करता है, उसे रोज प्लेन में घुमाता होगा। तो मैं भी तुम्हें घुमाऊंगा ना बड़े होने के बाद। बड़े होने के बाद ही ये बात करना, चुपिर। राज, राज। तो फिर क्या जवाब दिया काजल ने? किस बात का भाभी? उफ़ो, मैं पूछ रही थी तूने उससे अपने दिल की बात कही या नहीं? अरे क्या बताऊं उसे अपने दिल की बात, सब कुछ तो पता है उसे, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, कब गुस्सा आता है, कब प्यार आता है, कब नींद आती है, सब कुछ तो पता उसे। बस भाभी सिर्फ प्रपोज करना बाकी है। और कब करेगा तू वो? करूंगा, जिस दिन मैं पायलट बन जाऊंगा उस दिन करूंगा। उसे अपने प्लेन में बिठा के 30,000 फीट ऊपर ले जाऊंगा, बादलों के बीच में, वहां जाके मैं उससे कहूंगा कि तुम मुझसे शादी करोगी काजल। हाँ भाई हाँ, क्यों क्या कानाफूसी चल रही है? अरे कोई कानाफूसी नहीं। जरूर मेरे बारे में बात चल रही होगी। नहीं नहीं, मैं तो भाभी से कह रहा था कि आई डोंट केयर, जरा बाहर आ जा फटाफट, तुझसे कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ तुझसे, और वो भी प्राइवेट में, स्टूपिड। चलो एक्सक्यूज मी भाभी, तू गिरता जा। चाचू का भी बस कमाल ही है, कहते कुछ है करते कुछ है और होता कुछ और ही है। चुप कर, ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा, मुझसे पूछे बगैर एफओस कैसे जॉइन कर लिया? काजल ये तो बचपन में ही तय हो गया था, फिर भी पूछना तो था। अच्छा तुमने पूछा तो मुझे जब प्ले जॉइन किया? प्ले करने के लिए मुझे तुमसे दूर थोड़ा जाना था। कब लौटोगे? 1.5 साल बाद,
डेढ़ साल? नहीं नहीं, तीन महीने में वापस आ जाओ। तीन महीने में तो साइकिल चलाना नहीं सीखूं, प्लेन कहाँ से चलाऊंगा? ठीक है चार महीना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। डेढ़ साल लगेंगे, एक दिन भी कम फिर नहीं। मैं यहाँ पे क्या करूँगी अकेली? क्या करोगी? क्या तुम मुझे मिस करोगी, चिट्ठी लिखोगी और थोड़ा बहुत रो भी दोगी? रोएगी मेरी जुत्ती। अच्छा सुन, जब तू प्लेन उड़ाना सीख लेगा ना तो मुझे एक फोन करेगा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। और तू कैंटीन के ऊपर से प्लेन उड़ाना ताकि मैं वेव कर सकूं, ठीक है? काजल, ये प्लेन है, कोई पतंग नहीं है जो मैं कैंटीन से छत से उड़ाऊंगा। शट अप, प्रॉमिस। ओके प्रॉमिस, अब चले, चलो। सुनो। हाँ बोलो। अपना ख्याल रखना, खाना पीना भी वक्त पे करना, और इतनी भी मेहनत मत करना कि तुम कमजोर हो जाओ, और जल्दी से वापस लौट आना। ओके? अभी तो मैं गया भी नहीं हूं और अभी से रोना शुरू। स्टूपिड।